कौन है इसका इंतजार सभी को और उसी किंग को तैयार करने की कोशिशें हैं जो चल रही हैं, क्योंकि वोटिंग अभी जारी है। 1 बजे तक वोटिंग चलती रहेगी, यानी 8 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक वोटिंग चलेगी और इस बीच ज्यादा से ज्यादा छात्र पहुंचे अपने मत का प्रयोग करने के लिए, ये कोशिश छात्र नेता कर रहे हैं जो कॉलेज से निकल भी चुके हैं वो भी। और इसके अलावा अगर बात करें जो अब विधायक भी बन चुके हैं, जो अलग बड़े नेता है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी पार्टियों में संभाल रहे हैं, उनकी भी नजर इस चुनाव में रहती है, पीछे से सपोर्ट भी रहता है। चलिए अलग अलग कॉलेजों की तस्वीर हम दिखाते हैं, लेकिन महारानी कॉलेज में भी बेहद दिलचस्प तस्वीर देखने को मिलती है और खासतौर से अगर यहां पर कैंडिडेट को लेकर बात की जाए तो 2.5 फीट वाली अध्यक्ष यहां पर उम्मीदवार सोनाली कुमावत, जिनके साथ बातचीत की हमारी संवाददाता सुषमा पांडे ने, वो आपको सुना दी। देखिए, कहते हैं कि नारी शक्ति का स्वरूप है और उसे कोई भी स्थिति या कोई भी इंसान परास्त नहीं कर सकता और उसकी मिसाल यहाँ पर सोनाली कुमावत हैं जो अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट हैं। सोनाली ने बहुत सारा संघर्ष किया। सोनाली, आज परीक्षा का दिन है तो कैसा लग रहा है उस जोश? बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत नर्वस भी है कि आगे क्या होगा, मतलब आगे की ज्यादा टेंशन, आगे क्या होगा, बट बहुत अच्छा लग रहा है। छात्र संघ चुनाव का महापर्व है, मैं घर से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अधिक से अधिक वोट डालें और इस महापर्व का आनंद लें। बिल्कुल, और देखिए कितने कितने सदे हुए अंदाज में आपने कहा और बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। आपने 3 पाक की बात की, प्रवेश, परीक्षा, परिणाम, उसको कैसे दुरुस्त करने के बाद क्या ये चीजें कैसे आपके माइंड में आई? ये तीनों चीजें एक्चुअली मेरे साथ खुद के साथ घटित हुई है। हाँ। तो मैं चाहती हूँ जो चीजें मेरे साथ घटित हो रही है वो आगे भी घटित ना हो, उन चीजों को जड़ से समाप्त कर दिया जाए, इसलिए एक छोटा सा एक्शन है इस चीज को समाप्त करने का, कोशिश करेंगे कि जड़ से ही मिट जाए। अच्छा, बहुत मुश्किल है। एक आपका वो स्टेटमेंट याद आता है कि कुर्सी पे कैसे बैठेगी, तो आपने कहा कुर्सी पे बैठने का मौका ही कहाँ होगा, इतना काम होगा। तो यहाँ पर सोनाली को जब ऐसे बयान सुनने को मिलते हैं, ऐसे कमेंट सुनने को मिलते हैं, सोनाली का मॉरल कैसे बूस्टअप होता है, इतनी कॉन्फिडेंट सोनाली कैसे हो जाती है? इतनी कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे बड़ा होता है। जब घर से निकलते तो पेरेंट्स का सर हाथ सर पे होता है, बोलते हैं कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ में खुद को आगे बढ़ना है, खुद को लक्ष्य हासिल करना है। लाइफ में कभी ऐसे मोड भी आएंगे जहाँ खुद को अकेले चलना है, जरूरी तो नहीं कि किसी के साथ की जरूरत हो। नौ कैंडिडेट हैं अध्यक्ष के लिए, तो बहुत फाइट है यहाँ पर। फाइट तो बहुत है पर देखते हैं लक और किस्मत। लक और किस्मत को मानती हैं। और मेहनत कितनी की गई चुनाव प्रचार में, वो भी शायद बहुत मैटर करता है। मेहनत 3 महीने से चल रही है कंटिन्यू, वैसे तो 2 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ, बट जो स्ट्रांग मतलब एबिलिटी से आए हैं कि हाँ नहीं अब तो कुछ करना ही है, कुछ करना है, वो 3 महीने से हाँ वो 3 महीने से करते आ रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। एंट्री के साथ ही मन बना लिया था क्या चुनाव लड़ना है? हाँ जी, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हुई थी, मतलब 12th से ड्रीम था। तो मन में अगर ललक हो तो कोई हरा नहीं सकता है और कोई पीछे खींच भी नहीं सकता है। कम से कम सोनाली कुमावत तो ये उदाहरण के तौर पर नजर आ रही है, जब अध्यक्ष पद में 8 से 9 कैंडिडेट हैं, उन्हें टक्कर देने के लिए वो मैदान में हैं और पूरी तरह से तैयार हैं कि जीतेंगी, बस लक अगर साथ दे दे, छात्राएं अगर साथ दे दे। तो चलिए।